राम। यह प्रवचन दिनांक 9 मई 1943 को टिबड़ी स्वर्गाश्रम में हुआ। पैड संख्या 68, प्रवचन संख्या 1। विषय नाम के जप और स्वरूप के ध्यान की सभी साधनों में आवश्यकता है। ज्ञान के सिद्धांत में दो बातों की बहुत आवश्यकता है, वैराग्य और उपरति। जब तक देह में अभिमान है तब तक ज्ञान मार्ग समझ में आना कठिन है। देहाभिमान से रहित होने से ही वह बात समझ में आती है। अभ्यास करते करते भी देह में अभिमान आ ही जाता है। जिस प्रकार यह बात समझते हुए भी कि स्वार्थ नहीं आना चाहिए, तब भी काम पड़ने पर स्वार्थ आ ही जाता है। यह साधन काल की बात है, सिद्धावस्था की नहीं है। देहाभिमान का नाश करना बड़ा ही कठिन है। विवेक के द्वारा समझता है कि मान बड़ाई घातक हैं, किंतु जब ये आकर प्राप्त होती हैं तो साधक इनमें बह ही जाता है। उनको त्यागना जैसे कठिन है, इसी प्रकार देहाभिमान का त्याग करना कठिन है। स्वार्थ बुद्धि, देहाभिमान, मान बड़ाई की इच्छा, ये चीज़ें त्यागनी बड़ी कठिन हैं। देहाभिमान की जड़ है अविद्या। सबका मूल कारण है अविद्या। युक्तियों से सिद्ध होता है कि यह अज्ञान के कारण से है, फिर भी मनुष्य इनको मिटा नहीं रहा है। समझते हैं कि ये सब भांग के नशे के समान हानिकारक हैं, फिर भी हटाने की चेष्टा नहीं करते हैं। अब से लेकर मरने तक का समय है। कोई भी मनुष्य यह विचार कर समय नहीं बिताता है कि समय परिमित अर्थात थोड़ा है। अज्ञान के कारण समय को उसी तरह बिता रहा है। कई बार बताया जाता है कि आप लोग जो पूजा पाठ करते हो उसमें सुधार करने से लाभ हो सकता है, फिर भी सुधार नहीं किया जाता है। हम सब समझते हैं कि क्रोध करना बुरी चीज है, परंतु जब मन के प्रतिकूल अवस्था आकर प्राप्त होती है तब क्रोध आ ही जाता है। विचार के द्वारा समझते हैं कि यह बुरा है, तब भी यह आ ही जाता है। दोषों को हटाने की खूब कोशिश करनी चाहिए, बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता है। प्रयत्न तो करते नहीं हैं, होल में अर्थात बिना कोई प्रयास किए ही इनको दूर करना चाहते हैं। हरि को मार्ग है शूरा को, नहीं कायर को काम। खूब कोशिश करनी चाहिए, ईश्वर की शरण होकर कोशिश करें, फिर कठिन नहीं है। रोज एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करें, रोवे, हे प्रभु रक्षा करो। रक्षा तो कराना चाहता है, किंतु पोल में अर्थात बिना कोई प्रयास किए ही। भगवान तो दासों के दोषों को देखते ही नहीं, आंख मींच रखी है। ज्ञान मार्ग है, समझ में आ जाए तो यह भी सुगम है। गीता अध्याय 14 श्लोक संख्या 19 में भगवान ने कहा, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोधिगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप
मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। जो यह त्रिगुणमय संसार है, इससे अपने आप को अलग देखे, सबको अपने संकल्प के आधार देखे, अर्थात साधक यह अनुभव करे कि संपूर्ण सृष्टि मेरे संकल्प के आधार से स्थित है। रास्ते तो तीनों ही, अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सीधे हैं। तीनों में जो जो कठिनाइयां हैं उन्हें हटाना चाहिए। खोज कर करके कठिनाइयों को हटावे। कर्म योग में कठिनता है स्वार्थ और आसक्ति, इनका त्याग हो जावे तो कर्म योग का मार्ग हरिसन रोड की तरह सीधी सड़क है। हरिसन रोड के उदाहरण से ऐसा प्रतीत होता है मानो सेठ जी कह रहे हैं कि जैसे गंगा जी जाने के लिए हरिसन रोड सीधा और कम समय लेने वाला मार्ग है, इसी प्रकार कर्म योग भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सीधा और कम समय लेने वाला मार्ग है। आसक्ति का दोष तो सभी मार्गों में है, इसलिए वैराग्य की सभी मार्गों में आवश्यकता है। बार बार प्रार्थना करें, रोवे, बालक का काम तो रोना है, नाम का जप और स्वरूप का ध्यान, इनकी सभी मार्गों में आवश्यकता है। नारायण 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 श्रीवल 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 नारायण 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 ஆனந்தா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 ன